गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के वैशाली में रैली को संबोधित किया। इस दौरान जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों और नागरिकता कानून का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे हैं अमित शाह। नागरिकता संशोधन कानून आया, ये सीएए आया और सीएए के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला, मगर कुछ लोग जो देश में, कुछ लोग जो है जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं। अभी अभी जेएनयू में 3 साल पहले नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बोले, जोर से बोले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। माताओं बहनों भाइयों, मोदी जी ने उनको जेल में डाला, आज केजरीवाल उन पर केस चलाने की अनुशंसा नहीं है, मगर मैं बता देता हूं आप सभी को, ममता दीदी, केजरीवाल, लालू प्रसाद, राहुल बाबा, कम्युनिस्ट, कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और होगी। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ेंगे।